ये जो गाड़ी है ना काफी प्रैक्टिकल है। क्यों मैं आपको बता दूं, एक तो ये प्रीमियम हैचबैक है जिसकी वजह से ना भाई इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट आपको एक नंबर मिलता है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर सीएनजी आ गई है। लोगों की शिकायत थी ना माइलेज की, वो चीज भी दूर हो गई। ये देखो, मतलब हैचबैक के अंदर सीएनजी भी आ गई और बूट स्पेस भी आ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। भाई सामने आपकी गाड़ी देख रहे हैं, ये है एल्ट्रॉस XM प्लस वेरिएंट सीएनजी के अंदर। और भाई ये जो वेरिएंट है ना, अभी शायद से किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं दिखाया, तो तुम्हारा भाई सबसे पहले जो है ये वीडियो लेके आ रहा है XM प्लस की। तो भाई ये जो वेरिएंट है ना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, भाई यहाँ पर आपको जो है ना ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ब्रॉड टायर मिल जाता है, व्हील कवर ऑफर करे गए, म्यू सिस्टम मिल जाता है आपको 7 इंच का, ORMs आपको जो ऑटो फोल्डेवर्स मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग आपको जो मिल जाती है। खैर फीचर्स तो मैं आपको आगे बता दूंगा, स्टार्ट करता हूँ इस गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो भाई फ्रंट लुक इस गाड़ी का कुछ ये दिया गया है, काफ़ी अच्छा खासा लुक दिया गया है रेड कलर के अंदर, और ये डार्क कलर के अंदर ना एल्टोस काफ़ी अच्छा खासा रोड प्रेजेंस देती है। बाकी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते, रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। नीचे आपको जो है फॉग लैम्प्स नहीं मिलते, ना ही DRS मिलती, वो आप जो है एक्सेसरी तौर पर लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पियानो बैक फिनिश के अंदर ग्रिल दे रखे है जो कि हनीकॉम पैटर्न के डिज़ाइन के अंदर है। क्रोम भी आपको मिल जाता है नीचे की साइड पर, जो कि राइट लाइट से होकर लेफ्ट साइड तक जा रहा है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो डायमेंशंस भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि भाई देखो प्रीमियम हैचबैक है, कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो भाई 1755 mm की विड्थ और 2501 mm का व्हील बेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, जिसकी वजह से भाई रियर सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बारे में जब मैं पीछे आऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बोनट पे आप क्रीसेस देख रहे हैं, काफ़ी जो अच्छे लगते हैं भाई, काफ़ी मस्कुलर लुक दिया गया है। बाकी ये जो वेरिएंट है ना S वेरिएंट नहीं है ये, ठीक है, वो आपको 45,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। उसकी भी जो वीडियो अभी आ गया आप मैं डाल दूंगा मतलब, ठीक है। बाकी यहाँ आते हैं तो यहाँ का कुछ लुक ये रहने वाला है, वही आपको इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे, ये व्हील कवर ऑफर करे गए हैं। CNG पे भी आऊँगा, तो भाई अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि एक एक चीज़ आपको जो है ना एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। CNG पे भी आऊँगा। 195 का शायद आपको सेक्शन नहीं मिलता इसके अंदर, 185 का मिलता है, पहले 195 का आया करता था। 185/60R16 का आपको जो है यहाँ पे टायर सेक्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इससे जो नीचे के वेरिएंट आते हैं ना, उसमें 14 इंच का आपको जो है रिम मिलता है, जो कि इस गाड़ी के अंदर अच्छा नहीं लगता। तो अगर कोई भी बंदा ना यार एल्टोस को खरीदना चाहता है, तो भाई XM प्लस वेरिएंट आप ले सकते हो। उससे नीचे के वेरिएंट लेंगे ना, तो भाई इतना अच्छा जो है मतलब उसके अंदर फीचर्स नहीं मिलते, ना ही उसके अंदर मतलब टायर वायर भी बहुत पतले से रहते हैं। बाकी व्हील कवर ऑफर करे गए यहाँ पे, यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, ORMs आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टर फोल्डर्स मिलते हैं, ए पिलर बॉडी कलर, बी पिलर ब्रेकआउट और सी पिलर बॉडी कलर ही रहने वाला है। बाकी यहाँ पे जो है पियानो बैक फिनिशिंग दे रखे, जो काफ़ी बढ़े लगते हैं। ORMs भी आपको जी है पियानो बैक फिनिश के अंदर मिलते हैं, डोर हैंडल्स बॉडी के अंदर मिलने वाले हैं, और ये है ये चीज़ 90° एंगल्स डोर हो जाते हैं। भाई ये जो गाड़ी है ना काफ़ी प्रैक्टिकल है। क्यों मैं आपको बता दूं, भाई देखो एक तो ये प्रीमियम हैचबैक है, जिसकी वजह से ना भाई इस गाड़ी के अंदर कम्फर्ट आपको एक नंबर मिलता है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर CNG आ गई है, तो भाई प्रैक्टिकलिटी और बढ़ गई। जिन लोगों की शिकायत थी ना माइलेज की, वो चीज़ भी दूर हो गई। तीसरा भाई रियर लुक पे आते हैं, और पहले मैं दिखाई देता हूँ, बाद में जो है सब कुछ क्लियर करूँगा। ये दिखाई देता हूँ यार, ये देखो, मतलब हैचबैक के अंदर CNG भी आ गई, ठीक है, जो कि ये है, और बूट स्पेस भी आ गया। भाई तीन बैग ना आप आराम से रख सकते हो, 210 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, पंचर किट भी आपको मिल जाती है। और आप सोचेंगे भाई स्पेयर व्हील कहाँ गया, टियागो की तरह तो नहीं कर दिया कि भाई हटा दिया, क्योंकि टियागो की इलेक्ट्रिक वेरियंट के अंदर नहीं आता ना, तो नहीं यार कंपनी ने ऐसा नहीं किया। SUV वाला पूरा फील दिया है आपको यहाँ, ये रहा आपका स्पेयर व्हील, जो कि ये रहने वाला वही 14 इंच का आपको यहाँ पे मिलेगा। 210 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। पार्शल ट्रे भी आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, मतलब छोटे मोटे सामान आप यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। दो आपको जो सिलेंडर मिल जाते हैं CNG के, जो कि 30-30 लीटर के रहने वाले हैं। बाकी CNG वॉल मैं आपको जो है दिखा देता हूँ भाई कहाँ की साइड है इसका, क्योंकि अगेन काफ़ी अच्छी जगह दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ आपको मिल जाता है इसका CNG का नोजल, यहाँ से आप CNG भरवा सकते हैं। 30-30 लीटर के आपको जो CNG के टैंक मिल जाते हैं इसके अंदर, और बाकी आपको जो है फ्यूल लिड ये रखे, 37 लीटर की आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इसके अंदर। बाकी आपको माइक्रो स्विच भी मिलता है, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है या फिर ये खुला रह जाता है, कोई खोल देता है तो भाई ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने ये खोल दिया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, या फिर ये खुला भी रह गया ना तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी, मतलब स्टार्ट नहीं होने की। ऊपर आपको ट्रिम मिलती है, तो यहाँ पर कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है। अब पीछे आ जाते हैं, ये एल्ट्रॉस की बैजिंग स्पेसिंग के साथ में LED टेल लैंप्स आपको नहीं मिलते, ICNG की बैजिंग मिल जाती है,
रिवर्स कैमरा नहीं मिलता आपको, अगर दे देते तो भाई अच्छा होता, मतलब 100-200 ले लेते यार, दे देते वैल्यू फॉर मनी और हो जाता। बाकी रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं, नीचे आपको कोई भी ये रियर प्रोग्राम आपको नहीं मिलता, रियर डिफॉगर वाइपर आपको नहीं मिलता, हाई स्टॉपलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है दो छोटे छोटे स्पॉइलर मिल जाते हैं जो कि मतलब पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। ठीक, तो भाई ये क्लियर हो गया भाई इसका सीएनजी का और इसका रियर लुक का। यहाँ आ जाते हैं रियर डोर के बारे में, तो भाई 90 डिग्री एंगल्स डोर आपको मिलते ही हैं। बाकी डुअल टोन आपको टेम मिलती है, स्पीकर के 4 स्पीकर इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहने वाले। प्राइस शायद मैंने अभी इस गाड़ी का नहीं बताया, तो प्राइस है इस गाड़ी का 8,40,000 रुपये की आपको जो एक्सशोरूम पड़ती है। मैं हूँ फिलहाल श्रीवासु मेरठ के अंदर, बेस्ट प्राइस के लिए आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये गाड़ी जल्दी भी चाहिए ना तो आपको वो भी मिल जाएगी, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक है, आप खुद ही देखो भाई, तो आपको जो गाड़ी जल्दी भी मिल जाएगी। ठीक है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर दे रखा है और ये तो मैंने आपको बता दिया था, और 60-40 का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलने वाले। अब मैं कंफर्ट के बारे में बात कर रहा था, तो भाई कंफर्ट मिलता है आपको ये, ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, बैक सपोर्ट वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए ये गाड़ी ना काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। बाकी हम्प भी लो दिया गया जिसकी वजह से पीछे वाला पैसेंजर भी आराम से बैठ सकता है, तो 3 जने पीछे आराम से बैठ सकते हैं, तो भाई देखो 5 जने आराम से बैठ सकते हैं। ठीक, इसके अंदर बूट स्पेस भी मिल गया, सीएनजी भी मिल गई, तो माइलेज का भी अब कोई इशू नहीं, तो भाई अब इस गाड़ी के अंदर रह क्या गया। ड्राइविंग डायनेमिक्स में भी भाई काफ़ी बढ़िया है ये गाड़ी, पर्सनली मेरी मेरे पास ये गाड़ी है इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ये दिए गए हैं। ठीक, फ्रंट डोर के बारे में बात करूँ, उससे पहले जो है इसकी की के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। की यहाँ लग रही है इसकी, आपको फ्लिप की मिल जाती है जिसमें लॉक अनलॉक और फॉलो हेडलैम्प का बटन मिल जाता है। ठीक है, 4 पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर ऑटो डाउन, इलेक्ट्रिक एडजस्ट, ऑटो फोल्ड्स का आपको मिरर भी मिलते हैं ये देखो। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी अम्ब्रेला होल्डर, 1 लीटर बॉडी स्पेस, हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती, बट काफ़ी अच्छी खासी आपको सीट मिल जाती है, काफ़ी कुछ नहीं सीट दी गई है इसके अंदर। सीएनजी का स्विच आपको यहाँ मिलता है और ये गाड़ी डायरेक्टली भी सीएनजी पे भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगेन काफ़ी एक अच्छा फीचर है। बाकी अंदर जो है स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करें, स्टेयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता, टिल्टी मिलता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलते, बट आप इसका XM प्लस S वेरिएंट लेते हैं ना जो सनरूफ वाला है, ये नॉन सनरूफ वाला है, अगर आप सनरूफ वाला लेते हैं ना तो वहाँ आपको जो है वो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, क्लस्टर को ऑन करते हैं तो आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, इसे आंधी को पहले बंद करते हैं। तो यहाँ आपको जो है RPM मीटर, यहाँ पे आपको CNG के, यहाँ पे फ्यूल के रखा है, MID आपको बीच में मिलती है जिसमें डिस्टेंस टू MD, ट्रिप ए, ट्रिप बी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको CNG पे स्विच करेंगे ना, जैसे कि अब मैं CNG पे से हटा देता हूँ, तो भाई ये देखो यहाँ आ गया, तो आपको ये एवरेज और डिस्टेंस टू MD पता चल जाएगा। अगर मैं CNG को ऑन कर देता हूँ ना तो यहाँ से चला जाएगा, तो ये भी आपको देखना होगा, डिस्टेंस टू MD आपको CNG के अंदर नहीं दिखाएगा। बाकी भाई यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ आपको जो है इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि 4 स्पीकर के साथ में आता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, और इसकी साउंड क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। एम्बिएंट लाइट भी आपको जो मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ की साइड आपको जो मिल जाती है, शायद से यहाँ तो आपको मिलती है बट यहाँ शायद मिलती है नहीं मिलती वो आपको मैं कन्फर्म कर दूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता, बट ऑटोमेटिक AC जैसी यूनिट मिलती है, इससे के जो नीचे के वेरियंट है ना उसमें ये यूनिट नहीं मिलती, बट इसके अंदर आपको जो मिल जाती है, जिसकी वजह से भाई काफ़ी अच्छा खासा लुक हो जाता है। बहुत से लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक AC है, ऑटोमेटिक AC नहीं, मैनुअल AC है। यहाँ पे USB पोर्ट, 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है की रखने की स्पेस, जो टॉप वेरिएंट होता है उसमें की लेस एंट्री आती है, 2 कप होल्डर की स्पेस, यहाँ पे हैंड ब्रेक दे रखा है, अगेन सीट काफ़ी अच्छी दे रखी है, काफ़ी कुशनी सीट है। ग्लव बॉक्स आपको ये दिया गया है, काफ़ी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और कूल्ड नहीं मिलता, ना ही आपको लैंप मिलता है। ठीक है, कोटा 70 मिनट की बात करें आपको नहीं मिलता, यहाँ पे माइक, यहाँ पे आपको जो है ये लैंप दे रखा। भाई भाई टाटा आप हमसे 500,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, पर इसे चेंज कर दो, ये प्रीमियमनेस खराब करा है एक प्रीमियम हैचबैक के अंदर। कमेंट सेक्शन में आप बताओ भाई इस चीज़ से आप एग्री हो नहीं एग्री हो, ये ना बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, IR में आपको जो है कोई भी डे नाइट का ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डे का मिलने वाला है, टिकट आपको जो है ड्राइवर साइड मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड की बात करूँ तो भाई डुअल टोन आपको जो है डैशबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो ग्रेज फिनिश, यहाँ पे वाइट फिनिश जो कि काफ़ी अगेन अच्छा लग रहा है, क्रोम फिनिश आपको यहाँ मिल जाती है, और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दे रखी है इसी इवेंट में। ठीक है,
वारंटी की बात करूँ तो भाई BS6 फेज़ टू के अंदर ना आपको वारंटी भी एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब कहीं ना अब आपको इस गाड़ी के अंदर 3 साल 1 लाख किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिल जाती है। तो भाई इस चीज़ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, एक चीज़ और अपडेट हुई है। ये आप स्पीकर के मतलब ये ट्विटर के होल देख रहे हैं, ये पहले ये अलग तरीके से आया करते थे, मतलब एक जो है मेटल की प्लेट लगी रहती थी, बट ये चीज़ भी चेंज हो गई है। और एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा हूँ भाई, फ्यूचर में ना शायद से इसके अंदर 6 एयरबैग्स आने वाले हो। देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पर शायद से अल्टोस के अंदर 6 एयरबैग्स भी आने वाले हैं। क्यों मैं आपको बताता हूँ भाई, ये देख रहे हो आप, ये पहले नहीं हुआ करते थे। तो क्या पता जब गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देना, शायद ये चीज़ जब हो सकती है। ये देखो यहाँ भी ये चीज़ दे रखी है, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब जो इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो भाई इंजन मिलता है इसके अंदर, ये इंजन आपको जो ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको जो 1.2 लीटर रेवोटॉन इंजन मिलता है जो कि BS6 फेज़ 2 के अंदर रेडी है। 72 BHP पावर प्रोड्यूस करता है CNG के अंदर, 103 Nm का टॉर्क। बाकी जो है पेट्रोल की बात करूँ तो भाई पेट्रोल के अंदर ये 86-88 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 115 Nm का टॉर्क। सिंगल ECU मिलता है इसके अंदर, जिसकी वजह से भाई काफ़ी अच्छा आपको पिकअप मिलता है, मतलब कोई लैग नहीं मिलता CNG के अंदर भी। यहाँ पे आपको ABS यूनिट दी गई है और BS6 फेज़ 2 वाला इंजन आपको पता ही है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक। बाकी बैटरी आपको यहाँ मिलती है और ये CNG की मतलब ये सारी किटविट आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। और रिफाइनमेंट लेवल अब इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है BS6 फेज़ 2 के अंदर। ऊपर आपको जो इंसुलेशन दी गई, जिसके वजह से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है, और इंसुलेशन मतलब मिल जाती है तो कैबिनस कम आएगी। बाकी भाई गर्म बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी टाटा एल्टोस XM प्लस CNG वेरियंट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, और ये गाड़ी उनके लिए है जिनको भाई बस CNG चाहिए और ज़रूरत के सारे फीचर्स चाहिए और मतलब गाड़ी बढ़िया मिल जाए, तो भाई आप इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हो। सनरूफ चाहिए तो भाई 45,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करिए और मेरी वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय टेक केयर, ध्यान रखें अपना।